दूसरी जानिब सेनेटर फैसल वावड़ा ने अलियमीन कंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। अपने पैगाम में कहा कि पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर है। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बजदिल है। सबके सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कुछ कर ले। आपके सवाले से अपडेट करते चलें, फैसल वावड़ा ने भी एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि अलियमीन गंडापुर को शदीद तंकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर हैं। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कोई एक्शन ले ले। सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर है। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कुछ कर ले। आपके सवाले से अपडेट करते चलें, फैसल वावड़ा ने भी एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि अलियमीन गंडापुर को शदीद तंकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर हैं। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कोई एक्शन ले ले। सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर है। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कुछ कर ले। आपके सवाले से अपडेट करते चलें, फैसल वावड़ा ने भी एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि अलियमीन गंडापुर को शदीद तंकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर हैं। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कोई एक्शन ले ले। सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर है। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कुछ कर ले। आपके सवाले से अपडेट करते चलें, फैसल वावड़ा ने भी एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि अलियमीन गंडापुर को शदीद तंकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर हैं। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कोई एक्शन ले ले। सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर है। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कुछ कर ले। आपके सवाले से अपडेट करते चलें, फैसल वावड़ा ने भी एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि अलियमीन गंडापुर को शदीद तंकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इख्तदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर हैं। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। सब के सब सो रहे हैं, हुकूमत टिक टॉक समझ कर ही कोई एक्शन ले ले।